हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग जानते हैं मैं पहले बेयर ग्रिल्स की वीडियो बनाता था जो बिल्कुल फ़नी बनाता था, तो अब मैं थोड़ा इसमें चेंजेस लेके आया हूँ। मैंने सोचा है कि मैं अब बॉलीवुड से रिलेटेड आपको रिव्यू दूँ बना बना के, फिल्मों से लेके स्टार कास्ट से लेके सब चीज़ों के मैं आपको रिव्यू दूँ, क्योंकि बहुत समय हो गया है। कई लोग मेरे पास मैसेज भी आए थे कि थोड़ा ऐसा भी बताइए, आप ब्लॉग भी बनाते थे, मैंने सेलिब्रिटी के साथ ब्लॉग भी बनाए हैं, तो अब मैं थोड़ा इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाना चालू कर रहा हूँ। तो अब अपन यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड मैं क्या बताऊँ, मैं कल इंस्टाग्राम चला रहा था रात में, तो मैंने अचानक ही टाइगर 3 का पोस्टर देख लिया, और वो पोस्टर देख के मुझे कितना अच्छा लगा। जो सलमान सर की टाइगर 3 आ रही है, मैं तो खैर सलमान सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, भोपाल आए थे, मैं उनसे मिला भी हूँ, हाथ भी मिलाया है मैंने, बहुत अच्छे इंसान है वो, काफ़ी अच्छे एक्टर भी हैं, लेजेंड जैसे अपन बोले वो हैं वो। कल मैंने उनकी टाइगर 3 का पोस्टर देख लिया इंस्टाग्राम पर, मैंने सोचा कि आप लोगों को इसी टॉपिक पर एक वीडियो बना के दिखाई जाए कि ये पोस्टर जो आया है क्या ये 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाएगा, क्योंकि अब तक सिर्फ 2 ही मूवी 1000 करोड़ के क्लब में, एक ही स्टार है उसमें, कोई और नहीं, केवल शाहरुख खान। शाहरुख खान सर को ही मैंने देखा है बहुत पहले 2011-12 में, जब भी वो आए थे डीबी मॉल में, जब मैंने उनको देखा है भोपाल में, वो भी अच्छे एक्टर हैं। तो 1000 करोड़ के क्लब में क्या ये टाइगर 3 शामिल हो पाएगी, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो सलमान सर का करियर था उसके बारे में बात करते हैं पहले अपन। सबसे पहले मैंने 2009 में सुना था कि सलमान सर का करियर ख़त्म होने वाला था, लेकिन 2009 में उनको एक उम्मीद मिली थी वांटेड मूवी से। वांटेड मूवी जो थी उनकी थोड़ी हिट हुई थी, लेकिन उनको उम्मीद जागी थी। फिर उन्होंने 2010 में लेके आ गए थे दबंग मूवी, और दबंग मूवी भाई साहब सुपरहिट मूवी हो गई थी। सुपरहिट मूवी होने के बाद उनको 2011 में मिल गई थी एक था टाइगर मूवी, जो फर्स्ट पार्ट, जो सीरीज़ थी फर्स्ट उनकी एक था टाइगर की। उस सीरीज़ से लोगों को लग रहा था कि हाँ, सलमान सर का करियर हाई लेवल पर जाने वाला है। लेकिन उसके बाद फिर 2017 में आ गई टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा का जो अपन गाने भी सुने हैं, स्वागत करेंगे सबका स्वागत, दिल दिया गल्ला, कैटरीना कैफ जो उनकी मेन लीड की हीरोइन है, मैं खैर कैटरीना कैफ का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनसे भी मिला हूँ मैं, ऐसी बात नहीं, मैं मिलता रहता हूँ उन लोगों से। लेकिन अब यहाँ से अपन बात करेंगे टाइगर 3 की। क्या टाइगर 3 भी उसी तरह सलमान सर के करियर को बहुत आगे ले जाएगी, क्योंकि अभी सलमान सर ने बीच में कई मूवियाँ ऐसी दी हैं जो फ्लॉप रही हैं, जैसे राधे देख लीजिए आप, किसी का भाई किसी की जान देख लीजिए आप, और इसके बाद एक मूवी इनकी और आई थी PRDP, प्रेम रतन धन पायो, ये आई थी, ये बिल्कुल फ्लॉप रही हैं। अब देखना चाहिए क्या टाइगर 3 जो है सलमान सर की, ये हाई लेवल पे जाएगी, 1000 करोड़ क्लब में शामिल होगी, ये देखना बाकी है। क्योंकि 1000 करोड़ क्लब में अभी केवल सलमान शाहरुख सर की 2 ही मूवियाँ हैं, जवान और पठान। मैं तो वेट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि सलमान सर की ये मूवी दीपावली में रिलीज होगी, तो मैं पहले से ही इसकी एडवांस बुकिंग करने वाला हूँ। आप लोग भी इसकी एडवांस बुकिंग कीजिए, लेकिन जल्द से जल्द, क्योंकि अगर ये कम हो क्या एडवांस बुकिंग पूरी हो गई है तो फिर आप ये मूवी देख नहीं पाएंगे। मैं इसको अभी से एडवांस बुकिंग करने जा रहा हूँ। बाकी अगर बात करेंगे इसमें कैटरीना कैफ की, तो कैटरीना कैफ भी सलमान खान के साथ जोड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लोगों को काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि शादी के बाद पहली ही मूवी है जो शायद सलमान खान के साथ उनकी, विक्की कौशल के शादी के बाद टाइगर 3। तो अब देखना यही है कि यह मूवी 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होगी, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी फ्रेंड मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, टाइगर 3 में मैंने उसका रिव्यू और नीचे वो कास्ट देखी है, उसमें इमरान हाशमी के बारे में मुझे पता चला है। इमरान हाशमी जो है, हालांकि मैं सेल्फी मूवी उनके साथ काम किया है, अभी भोपाल में थे अक्षय कुमार सर के साथ में, सेल्फी मूवी बन रही थी उनकी, शूट हो रहा था पूरा भोपाल में, शूट हुआ है, मैंने पूरी टीम के साथ काम किया है, मैं कहीं ना कहीं उसमें हूँ, नूरुस्सबा होटल में भी मैं उनके साथ रोल आए हैं मेरे, मैंने काम भी किया है। लेकिन जो उनको विलन का रोल मिला है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है देखने के लिए, क्यों, क्योंकि विलन के रोल में उनको अपन ने कभी देखा नहीं है, उनको देखा है सिर्फ और सिर्फ अपन ने किस चीज़ में, चुम्बन देवता के रूप में या फिर डायरेक्ट हीरो के रूप में। उनके गाने भी मैं खैर क्या बताऊँ उनके बारे में, बहुत अच्छे एक्टर हैं वो भी। बाकी अपन देखेंगे ये क्या इसमें विलन के किरदार में ये अच्छे लगते हैं, यानी इनका लुक कैसा है, अपन इस चीज़ पर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग वीडियो को कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो अपने भाई के चैनल को, यतिन के ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सही था।